जो भी फालतू चीज है। तो ट्रिगो की पूछ रहा था, ट्रिगो की शीट करी सबने? यस सर। तो पहले 15 क्वेश्चन हुए, हो रहे थे सबसे? यस सर। पूरा शीटों नहीं, वो सब अच्छी बात है, आई नो, वो तो बहुत बच्चे कर पाएंगे, बट मुझे पता है हर साल थोड़े से बच्चे स्ट्रगल करते हैं क्योंकि ढंग से कभी देखा ही नहीं उन्होंने वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कितने बच्चों को पहले 15 क्वेश्चन में 5 से ज्यादा डाउट्स है, रेज ऑफ हैंड। पहले 15, पहले 14 क्वेश्चन 5 से ज्यादा स्ट्रगल करा, रेज ऑफ हैंड। ऐसे शर्म मत कर, चैट तो लिख दे। एक बच्चा था उस नीचे कर गया, ऐसे नहीं, चैट पे लिख दे अगर तेरे को लगता है बच्चे। तो ठीक है, फिर मैं डायरेक्टली पढ़ाता हूँ एंड आई विल बी एबल टू जज यू कि कैसा तुम परफॉर्म कर रहे हो। स्टार्ट करें एवरीवन? यस सर। ट्रिगो इज अ सेक्शन, जैसे अलजेब्रा इज अ सेक्शन, वैसे ट्रिग्नोमेट्री भी सेक्शन है। ट्रिगो में कितने चैप्टर पढ़ोगे तुम हमारे सिलेबस में? 4। हाउ मेनी? 4 चैप्टर है। ट्रिगो 1, ट्रिगो 2, ट्रिगो 3, ट्रिगो 4। ट्रिगो 1 स्टैंड्स फॉर, चैप्टर नेम क्या है? बट वो सब बहुत बाद में पढ़ेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा हूँ। मैं नोट्स प्रॉपर बना रहा हूँ, ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट 10th क्लास का रिविजन चलेगा, क्लियर ना? तो 90 के अपोजिट को हाइपोटेन्यूस बोलते हो, थीटा के अपोजिट को परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड बोलते हो, करेक्ट? अब से परपेंडिकुलर मेरे साथ बोलना चालू कर दो, भले तुम्हारी आदत अपोजिट साइड की होगी। देन तीसरी साइड को बेस या फिर एडजेसेंट बोलते हो? एडजेसेंट, यस सर। यस, तो मेरी आदत अब बेस की है, तो तुम भी आदत डालना चालू कर दो। साइन थीटा कॉस थीटा किसी नालायक को नहीं आता है क्या? ऐसा है क्या? मतलब चैट पे बिल्कुल ऑनेस्टली लिखना चालू कर दिया करो। टेन थीटा इज कितना? कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा। तो अगर मैं टेबल फिल निकालने के लिए बोलूं तो सबको आता है ना? यस सर। नोन एंगल्स, चलो कॉपी करना चालू कर दो, ये सब बेसिक चीज है, जितना फास्ट करोगे बेटर है मेरे लिए। नोट्स बना रहे हैं तो भली आता है, बना दो यार, कोई बात नहीं। एज इन प्रैक्टिस की तरह करते हैं कि 30 सेकेंड्स के, 1 मिनट के अंदर पूरा टेबल फिल हो जाना चाहिए। ऊपर का कॉपी करो, 1 मिनट के अंदर पूरा टेबल फिल करो। नायक जल्दी से टेबल फिल कर, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं इनमें। यस, इसलिए टेबल फिल करा रहा हूँ विभूषिता, 1090 को क्या लिखेगी, वही सब बेसिक चीजों के लिए फिल करा रहे हैं। Thank you.
ओके लास्ट 5 सेकंड्स टेबल फिल हो जाना चाहिए. आई गेस हो गया है. यस सर हो गया. तो मैं फिल कर रहा हूँ और ये याद भी होने चाहिए. 0 हाफ 1 बाय रूट 2 रूट 3 बाय 2 1 करेक्ट. यस सर. की वैल्यूज यस तुम्हें याद है कि वो रिवर्स में होती है बट कोई थप्पड़ मार के भी पूछे कि cos 60 क्या याद होना चाहिए. समझ रहे हो ना. 1/2 यस सर. मैं भी पूछे तो भी याद है. याद करो. अच्छा रिवर्स में है तो 60 होगा 30 पे. ऐसे सपने मत देखना. हां सर हां सर. हां सर. मैं cos 0 गलत. cos 0 1 होता है. 1 देन ऑब्वियसली sin और cos का रेसिप्रोकल करके याद कर सकते हो बट एब्रप्टली याद होना चाहिए. 10 0 0 10 30 1/√3 बट अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1089.99 डिग्री वो नॉट डिफाइंड है क्या. नहीं सर. कैन आई से बहुत बड़ी वैल्यू होगी. कैन आई से बहुत बड़ी वैल्यू होगी. बहुत बड़ी वैल्यू होगी. एग्री करो. Yes, sir. मैं प्लस इनफिनिटी लिखूंगा तो तुम माइंड नहीं करोगे. एग्री करो. yes, sir. Yes. वो तो एक्चुअली एक फाइनाइट होगी बट मैं लिख नहीं सकता तो मैं प्लस इनफिनिटी लिख रहा हूँ. यस और नो. यस सर. ओके cos x याद करने की जरूरत नहीं है. मैं भी ऐसे ही ध्यान रख सकता हूँ. मैं भी ऐसे ही ध्यान रखता हूँ क्या ये रेसिप्रोकल है. करेक्ट एवरीवन. यस यस सर. cos x 0 इज sin 0 का रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा. तो root 2, 2 by root 3, 1. Correct everyone? Yes, yes sir. Yes, sir. 6, 0, well, अब ठीक है कर लोगे. चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. कोई issue किसी को? No, sir. चलो. Obviously, बचपन के question कर रहे हैं, but बचपन के question में भी कोई नालायक हो सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं. तो तुम बचपना मत लाना और सही answer निकाला. Okay? ठीक है सर. इफ x एंड 45 इनटू cos पर 60 इज दिस 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 फाइंड x. उसके बाद ऑनेस्टली बताओगे किसी ने गलत करा तो जूते पड़ेंगे. क्या बोलो आप. होते हैं बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं. सर वो ऊपर tan square 60 डिग्री है ना. यस ऊपर tan square 60 है इनटू cos 30. एक भी गलती मैं सच्ची में मैं माइक ऑन करके थप्पड़ पड़वाऊंगा तो माइक तो बिल्कुल ध्यान से करना. वापस क्वेश्चन रिपीट कराऊं. x into sin 45 into cos square 60 equal to tan square 60 into cos 30 divided by sec 45 into cot square 30. चैट पे सबको आंसर लिखना है और मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ जो जो थप्पड़ मारेंगे. जल्दी से चैट पे सब आंसर लिखो. अभी सही वालों का है गलत वाला है वो तुम जज कर लो. तब क्या देखो क्या बोला था मैंने. कबूतर हर जगह है. दिख रहा है. यस सर. सर सबको साथ में गाना गाने को बोलते हैं ना. बैंड हो जाएगा एक पूरा. देखो ऐसे कार्टून्स हैं हमारे पास. ये शौनक पाटिल तक नालायक इसलिए मिस्टेक्स करते रहते हैं. सबको आंसर लिखना है. डोंट बी अफ्रेड. तुम्हें पता है अपन बिल्कुल फ्रैंक रहते हैं तो लेट्स बी दैट. ये अथर तो अलग ही कार्टून. तू नॉट डिफाइंड कहां से आ गया भाई. सर मैंने राइट दे दिया अब तो कैंसिल कर. चेंज नहीं होता है.
एक बार लिख दिया, लिख दिया। मतलब ये देखो, ये हमारी है फ्लैगशिप बैच। क्या पढ़ाओ, ऐसे क्वेश्चन कराने पड़ते हैं फिर, देख लो। अब तो मैं लिखना बंद कर रहा हूँ, कौन लिखे। बस अब शर्म करो यार, छोड़ दो, अब लिखना बंद कर दो, मैं खुद ही परेशान हो गया हूँ। तो क्वेश्चन भी चेंज कर दिया, इजी और देने पड़ेंगे। देखो भाई, देश के भविष्य हो। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर, करेक्ट ना? रूट थ्री डायरेक्टली लिख दिया तो कोई बच्चा हो सकता है उसको समझ में नहीं आया, इसलिए अपन रूट थ्री का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। कोसेक 30, साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 हाफ होता है तो 2 आएगा। सेक 45, कोस 45 का रेसिप्रोकल, और 30, टेन 30 का रेसिप्रोकल, टेन 30 1/√3 होता है तो ये रूट थ्री होगा, और ये रूट थ्री का स्क्वायर आएगा। आ जाए यार, चेंज हो जा। ओके अब ये कैंसिल करूंगा तो आई होप कोई पाप नहीं करा है मैंने। बिल्कुल नहीं, नहीं किया। तो कैंसिल हो गया तो भी कोई पाप नहीं किया। यस सर। तो सच्ची में ये सब बच्चे माइक ऑन करके थप्पड़ मारना चालू कर दो, जूते सर मैंने 150 बार चेक किया इसको। इतने जल्दी माइक ऑन करो, माइक ऑन करके थप्पड़ मारना चालू करो, मार दो सर आप। जल्दी से माइक ऑन करो। मैंने आंसर 80 पे भेजा था सर, मैंने 80 भेजा था भाई सर। इधर उधर हो गया होगा एक आध, तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बाकी सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे माइक पे, कम ऑन सर। वीडियो ऑन करके देख। हाँ सर, वीडियो सर, वीडियो ऑन कराओ। इतना मेरे पास टाइम नहीं है, बट यूं सोच लो कि जेई के टीचर की, और वो भी जीकेएम सर जो तुम बिल्कुल खास होने चाहिए, उनका श्राप लग सकता है, थप्पड़ मार देना जल्दी से। हाँ सर, खाना नहीं पचेगा। जल्दी से थप्पड़ मारो माइक ऑन करके, जल्दी से। काफी कम आवाज आ रही है मुझे, श्राप समझते हो ना? अब तू खुद के लिए झूठ बोल रहा है, ताली मारनी है तो मार भाई, मेरे को क्या है, श्राप लगेगा ना, सोच लेना। मैं सच्ची में मारा सर, ऐसा श्राप मत दो। कि ऐसी नालायक पंती करते हो तो थोड़ा अगली बार याद रहेगा यार तुम्हें ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वैसा क्वेश्चन दूं क्या सच्ची में? हाँ सर चलेगा सर, एक और थोड़ा हायर लेवल दे दो प्लीज सर, ऐसा तो जिसमें आपने जैसा अभी शाप देने वाला क्या वैसा करो। सर थोड़ा अपग्रेड करके, एक तो कर लो यार, मेरे को कोई भरोसा नहीं है तुम्हारी नॉलेज पे। सिंपलीफाई मतलब ये कोई क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड, ये होता है कि कोई नया बच्चा आया 10th से 11th पे, उसको बस देखने के लिए उसको वैल्यूज आती नहीं है, तब देते हैं ये। अब तुम्हारे लिए जब एक चैप्टर हो चुका है तब थोड़ा देना चाहिए, समझ रहे हो डिफरेंस? बट कर लो, मेरे को नहीं पता यार, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है एलसीएम लेना सिखाया हो किसी ने। अब गलत पड़ेगा तो सच्ची में मम्मी पापा को बोलना कि थप्पड़ मार के आए, थप्पड़ मार के जाए। कि मुझे ही शर्म आ रही है यार, ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से करो खत्म। एलसीएम है, बहुत सारे फ्रैक्शंस है, तो सर वो तो आप जज ही कर लो, हम गलती तो करेंगे करेंगे। इस बार भी आप नाम लिखोगे तो उसी का वेट कर रही, इसलिए सही करेगी।
नहीं सर। तो फिर जल्दी कर। मैं तुम्हें चैट दिखाऊं ना तो सच्ची में शर्म आ जाएगी तुम्हें। हाँ सर दिखाओ ना। यस सर। हाँ सर दिखाओ मजा आएगा। और बोलते हो कि नहीं है टफ कराओ मतलब क्या बोलो यार टफ लेवल होता है जब इस टाइप की गलती नहीं करते हो टफ इज मतलब सोच क्या बोलो। अरे ठीक है मेरे को अब शर्म आ रही है। कॉट 30 रूट 3 का स्क्वायर साइन 60 रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर कॉस एक्स 60 साइन 60 का रेसिप्रोकल 2 बाय रूट 3 होता है उसका स्क्वायर 4 बाय 3 टेन 30 1 बाय रूट 3 होता है तो उसका स्क्वायर ठीक है क्या बचा है 4 प्लस 9 बाय 4 माइनस 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 करेक्ट ना। यस सर। यस सर। मैं तो कुछ भी कर देता हूं 9 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 इज 2 6 माइनस 8 बाय 3 24 माइनस 18 कितना होता है 10 बाय 3 सर 18 माइनस 18 माइनस 8 10 इज 10 बाय 3 आगे बढूं। एक्यूट एंगल मतलब सारे एंगल्स पॉजिटिव है करेक्ट ना एवरीवन। हाँ हाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं हो तो मैंने बस एक नालायक के लिए पूछा है। सर एक आंसर नहीं लिखा फर्स्ट का आंसर कोई लिखेगा क्या शर्म नहीं आएगी तेरे को है ये आके चल सर ये आके चली जाती वो डायरेक्टली। ओके बस आई होप मैं उस नालायक बच्चे के लिए समझाना चाहता था कि अगर साइन बीटा 12 बाय 13 है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस ले सकते हो करेक्ट एवरीवन। यस सर। और पाइथागोरस से बेस आ जाएगा करेक्ट ना ये आता है ना बेसिक्स। Yes, sir. Aha, sir, आता है। Yes, sir. Tan beta is perpendicular by base, तो आंसर हो जाएगा 12 by 5. तो जिस बच्चे को बहुत ही इश्यू आता है ये समझ में आ गया होगा वो यूज करके जल्दी से इसका आंसर निकालो। गौरव काबरा थप्पड़ मारो अब तो जो जो है सबको मैं माइक ऑन करके मारूंगा। गौरव काबरा अदिति जिंदल चालू जाओ। गौरव अदिति yes, sir. अदिति तेरा नहीं दिखा मेरे को मारा तो अभी मारा गाल लाल है। हाँ सर। क्षितिज माइक ऑन करो। क्षितिज तप्पड़ तप्पड़ आरव शाह ओजस दुबे आरव शाह ओजस दुबे। हाँ सर। अथर्व पुरानी सैल्यूट है भाई। लास्ट 5 सेकंड्स हृदय चप्पड़ सर सिर्फ एक ही जन ने मार ठीक है यार वो दे आर मैं कोई अवार्ड थे ना मिल रहा है। ओके आंसर इज 50/37 करेक्ट बच्चों। यस सर। साइन थीटा की वैल्यू डाल दी। sec क्या होता है hypotenuse by base 13 by 5 tan beta क्या होता है perpendicular by base 12 by 5 cosec क्या होगा sin का reciprocal तबाई 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 12 plus 13 divided by 12 plus 13 by 2 बहुत नए बच्चे होते हैं ना 3 year के 3 year समझते हो जो 10th में शुरू करते हैं तो 10th में ही जे के तैयारी करते हैं तो मैं उनका कभी बैच लेता हूं तो उनके साथ तो ये जोक भी मारता हूं कि 13 मत काट देना तुम्हारे सामने तो मानने की जरूरत नहीं है ना। नहीं सर। नहीं सर।
25 अपॉन 37 बाय 2 तो आंसर इज 50 बाय 37. चल नेक्स्ट पाप धोते हैं. एक और टॉपिक जो तुम्हारा फेमिलियर है, उसके बाद सब नए टॉपिक आएंगे. ऑब्वियसली हेडिंग क्या है? Identity. तो भली ये तुम्हारा फैमिलियर टॉपिक है, उसमें शुरुआत में ऑब्वियसली मैं तुम्हारे फैमिलियर चीजें कराऊंगा, बट धीरे धीरे इसमें ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो तुम्हें नया भी लर्न करोगे. एंड गुड थिंग फॉर यू इज जेई में भी क्वेश्चन आए हैं इस पे, इसी टॉपिक पे. इजी बट दिए उन्होंने स्कोरिंग के लिए. 2014 एडवांस में आया है, 2017 मेंस में आया है, तो आते हैं कभी कभार आ जाते हैं. लक्की हो गए तो आ जाओगे. तो चलो तीनों आइडेंटिटीज तो बता ही दो. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1. इसका मैनिपुलेशन कैसा भी कर सकते हो, करेक्ट ना? यस सर. कभी कभार बहुत ही अजीब से क्वेश्चन में 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिखना पड़ता है, ठीक है ना? यस सर. 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 6 स्क्वायर थीटा. इसका मैनिपुलेशन कर लेंगे. यस सर. स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कभी मिला तो क्या लिख सकते हैं उसको? sec theta plus 10 theta into sec theta minus 10 theta, इस तरीके का मैनिपुलेशन. I'll give you. ध्यान रखना है. सेम गोज फॉर cot एंड sec, करेक्ट? यस cosec. यस लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल, तुम तो बस तीनों आइडेंटिटी लिख लो. मैं तो कुछ थॉट्स एंड थिंकिंग की बात कर रहा हूँ. डन ऑल ऑफ यू? ऊपर का? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. आई होप कोई भी एक भी बच्चा नहीं है, नहीं तो चैट पर लिख देना. कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसको ये फास्ट लग रहा है कोई तो लिख दो चैट पे. वो चैट मेरे पास ही आ रही है बस. कभी छोटा मेथड स्ट्राइक ना हो तो फिर हमेशा एक तरीके से ओल्ड इज गोल्ड यहाँ पे तो है कि सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करो. क्लियर ना? वो तो हमारा सेफ गार्ड मेथड है कि सब कुछ साइन कॉस में करो. कभी वो बेटर, कभी वो सबसे अच्छा मेथड भी होता है, बट इस क्वेश्चन के लिए तो नहीं है. एग्री करो? यस सर. क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आइडेंटिटी लग रही है. 1 plus 10 स्क्वायर इज sec स्क्वायर. 1 plus cot स्क्वायर इज cosec स्क्वायर. कोई बच्चा बोले, फिर कोई बच्चा बोलेगा सर जेई में प्रूविंग तो होते नहीं है. अरे तो ठीक है ना यार, कार्टून हम तो नॉलेज ले रहे हैं. किसी क्वेश्चन को क्या ऑब्जेक्टिव बना नहीं सकता क्या मैं? ऑप्शन ए देके तो बता. वैसी ऐसी चीजें मत पूछना है ना, कुछ भी दे दूंगा. बट सारे ऑप्शन से ये तो हिंट मिली गई कि सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करना. एग्री करो? यस सर. भी टेढ़ा दिमाग चला ही लेगा अच्छा कि sec स्क्वायर को मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर लिख सकता हूँ और cosec स्क्वायर को 1 अपॉन sin स्क्वायर लिख सकता हूँ. तो इससे प्रूव हो गया. कम ऑन. एग्रीड? यस सर. मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि कुछ भी ऐसे अभी मैं क्वेश्चन दूंगा जिससे तुम्हारा दिमाग चलाना चालू करना चाहता हूँ. फर्स्ट बेस्ट मेथड इज डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से सोचो. बट अगर स्ट्राइक नहीं हो रहा हो तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो. क्लियर? यस सर. चलो तीन चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, चालू करो. अभिषेक सतारकर, तेरा माइक ऑन है और पीछे कुछ म्यूजिक चल रहा है. सर वो प्रेयर चल रहा. अच्छा ठीक है, नहीं तो गाना चल रहा होता तो मेरे को ट्यून याद हो गई होती तो वही गवा था तेरे से फिर ना. माइक तो बंद रहा क्या? लेवल जीरो क्वेश्चन. और हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड लाना है. राइट साइड को मैनिपुलेट नहीं करोगे जैसे बोर्ड्स में करते हो.
क्लियर सर अभी बोर्ड्स में भी वो अलाउड नहीं था तो बोर्ड्स में भी सिर्फ लेफ्ट साइड तो डोंट मैनिपुलेट राइट साइड बिकॉज आई कैन इजीली गिव यू राइट साइड एज वन ऑफ द ऑप्शंस सो नो वन विल मैनिपुलेट यू कैन कीप एन आई ऑन दैट एंड कन्वर्ट अकॉर्डिंगली बट डोंट मैनिपुलेट सर मैं पहले उल्टा कर देता बट वो भी गलती होगा क्या बोल रहा है क्रॉस इतना देना में गलती होगा ना चुप तेरा माइक खराब है जो लिखना हो चैट पे लिख फर्स्ट तो हो गया होगा ना सबको फर्स्ट में किसी को डाउट है क्या नहीं सर व्हाट इज द बेस्ट मेथड साइन कॉस या डायरेक्टली रैशनलाइज टाइप का रैशनलाइज को मैं sec plus 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा करेक्ट एवरीवन यस सर क्यों क्योंकि मुझे याद आ गया कि अच्छा सर ने बताया था sec square minus 10 square याद करो कम ऑन a plus b a minus b ऊपर sec a plus 10 है नीचे 1 होता है तो hence proved ओके ना एवरीवन यस सर बट कभी नहीं स्ट्राइक हो तो भी ओके है कि साइन कॉस में कर रहे हो तो भी चलेगा बट ये सीख लो बस ऐसा सोच के चलो आगे सेकंड थर्ड फोर्थ कंटिन्यू चलो इतना लिख लो जल्दी से पहले इतना करो करेक्ट अक्षर फोर्थ तक टू मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए सर प्रूफ में करेक्ट रॉन्ग कैसे वो माता जी करती है क्या क्वेश्चन पूछती है प्रूव में करेक्ट रॉन्ग कैसे होता है अरे प्रूव करना तो करेक्ट रॉन्ग क्या है प्रूविंग तो मैं दे रहा हूँ बच्ची बट मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसलिए मैं ऑप्शन टाइप का नहीं दे रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें देखो सर ने आपने चैट में किसी को करेक्ट बोला तो मैं सोच रही थी आंसर उसका भी भेजना है करेक्ट नहीं वो कुछ और बोल रहा था वो बोल रहा था कि फोर्थ एक रिजल्ट की तरह याद करेंगे क्या हम सर मैंने बोला करेक्ट यस फोर्थ हम रिजल्ट की तरह याद करेंगे सर हम थर्ड वाले में राइट साइड से लेफ्ट साइड कर सकते हैं ना नहीं मैं जो बोलता हूँ वो क्या मतलब पहली बार मैंने नहीं सुना है हैं यशित चावला जो भी बच्चा था अभी जस्ट मैंने बोला कि राइट साइड को टच ही नहीं करना है यस विनायक ओके शौनक ठीक है यार 15-20 मिनट तो हम दे सकते हैं इन सब चीजों के लिए हाँ सर एकदम अच्छा लगा सेकंड किसी को डाउट है क्या बच्चों साइन कॉस में कन्वर्ट करना इज बेस्ट मेथड एनीबॉडी नो डाउट सर कोई शर्म करना ही नहीं हम वैसे शीट में भी था सर वैसे हां हुआ यार हम वैसे ही सब बेशर्म हैं तो कोई मैंने तुमसे इतना फ्रैंक इसलिए रहता हूं ताकि शर्म नहीं करनी यस सर तो कोई डाउट नहीं है लास्ट टाइम नहीं सर नो डाउट नहीं सर कोई डाउट नहीं कोई डाउट नहीं नो डाउट सर थर्ड क्वेश्चन में राइट साइड को देख के इतना तो हिंट ले सकते हैं कि सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेन और कॉट में कर दे करेक्ट ना यस सर एक्चुअली sec स्क्वायर को लिखोगे 1 + 10 स्क्वायर cos x स्क्वायर को लिखोगे 1 + cot स्क्वायर ओपन कर दो आ जाएगा एग्रीड यस सर यस चलेगा हितेश ही चलेगा फोर्थ भी हो गया है शुड आई वेट हो गया पक्का ना एवरीवन 1 मिनट सर नहीं चलो 30 seconds और विनायक यही डायलॉग मैं ना दूसरे गौरव सर से ही पूछूंगा वहां पे तो नहीं बोलता है तू ठीक है ठीक है सर हम्म
यस सर इनफ टाइम डन सर कैसे भी कर लो यार या तो मतलब जैसे बचपन में अगर तुम्हारा बचपन होता तो मैं तो ऐसे समझाता कि चलो ये किस में आते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में आते हैं तो उसको स्क्वायर कर दो समझ में आ रहा है ना यस सर बट अभी इसको तो एक क्वाड्रेटिक की तरह मैं इमेजिन कर सकता हूँ कम ऑन अल्फा स्क्वायर है ये और ये बीटा स्क्वायर है जिसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा लिख सकता हूँ कम ऑन एग्री करो यस सर यस सर अल्फा कौन है साइन थीटा है क्या इस तरीके से बस थॉट्स आने चाहिए यस ये मैनिपुलेशन आना चाहिए कि हाँ दिमाग में थॉट आना चाहिए ये वन हो गया ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसी को डाउट है नो सर आगे बढ़ू यस सर तो इस चैप्टर में मैं बहुत सारे रिजल्ट याद करूंगा अपार्ट फ्रॉम फॉर्मुलाज रिजल्ट और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस आएगा जेई में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा रिजल्ट यूज करो या फॉर्मूला यूज करो एक ही बात है ना कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं हां सर हां सर बट आई होप समझ गए मैं किस रेफरेंस में बोल रहा हूं यस सर ये जो रिजल्ट है कहां पे यूज मत करना सब्जेक्ट पे बोर्ड्स में बोर्ड्स में बेसिकली बोर्ड्स में तो वो जो बोर्ड्स तो खत्म ना 12th के बोर्ड नहीं देगा नालायक अच्छा वो भी है अभी से खुशियां मना रहा तो एनीवे कॉलेज के पेपर्स भी होंगे 11th के तो उसमें जो कॉलेज के फैकल्टी बोले वो करना ये सब डायरेक्टली यूज करोगे तो हो सकता है मार्क्स काट दे क्लियर इस चैप्टर में मैं फंडा लिखूंगा हम लास्ट चैप्टर में देखेंगे कितने फंडे होते हैं 50 होने चाहिए ठीक है फंडा वन क्या ये दोनों रिजल्ट याद रखना है पहला रिजल्ट कौन सा है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा कितना होता है एवरीवन 1 - 2 sin² θ cos² θ धीरे धीरे इम्पोर्टेंट समझोगे काफी इम्पोर्टेंट है याद रखना चाहिए साइन 6 प्लस कॉस 6 1 - 3 sin² θ cos² लिख लो फंडा वन नेक्स्ट क्वेश्चन नोटन में सब्जेक्टिव पेपर में मार्क्स काट देंगे ये रिजल्ट्स हैं ये कोई फॉर्मूलाज इनको प्रूव करके फिर यूज कर ले तो कोई माइंड नहीं करेगा तो फिर जेई में भी कोई नहीं आएगी जेई में नहीं देंगे तेरे को थर्टी सेकेंड्स गौरव काबरा रॉन्ग बाकी सबका सही है तो मैंने नाम ले लिया नो सोमिल अब गौरव था ही करेक्ट कर दिया गौरव ने सही है तो मैं नाम नहीं ले रहा तुम्हारा ऋग्वेद अश्विन आदर्श बट अभी भी वेदांत गलत अभी भी 30% बच्चे हैं जिनको स्ट्राइक नहीं हुआ है या नहीं है ना yes. Yes, sir. इसलिए बोलता हूँ कि जो मैं फंडे बोलूं और ये सब तो ध्यान रखो तो तुम्हें फंडा टू भी लिख देना चाहिए फंडा टू बोली तब तुम्हारे नोट्स के हिसाब से तुम लिखो क्या कि सैक और टेन में आया लिख ही दो यार फंडा टू क्या फंडा टू है कि इफ सम एक्सप्रेशन इन sec एंड tan दे रखा है तो हमेशा किसकी याद आ जानी चाहिए sec² θ - tan² θ = 1 एंड सेम गोज फॉर cosec एंड cot क्लियर जिन नालायकों को नहीं आया yes, ये फंडा टू हो गया
ठीक है, तो इसमें देखो बस क्या है, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी यूज कर रहा हूँ बच्चों, क्यों यूज कर रहा हूँ वो तो सबको क्लिक होगा, क्योंकि ए प्लस बी दे रखा है, इसकी वैल्यू थ्री है, तो इससे sec थीटा माइनस टेन थीटा वन बाय थ्री हो गया, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब दोनों फर्स्ट और सेकंड को स्टेयर करो और बोलो क्या करना है, add first and second equation. देखो ध्यान से, tan theta कट जाएगा, 2 sec theta is 3 plus 1 by 3, this implies 2 sec theta is equals to कितना 10 by 3, तो sec theta की वैल्यू कितनी आ गई 5 by 3. अगर मैंने tan theta पूछा होता दोनों को क्या कर देते, subtract, yes. ठीक है, ध्यान रहेगा ना एवरीवन, जिनको नहीं ध्यान था. हाँ सर. हाँ सर. तो सेम चीज अगर कॉसेक कॉट में हो तो याद रखना उसकी आइडेंटिटी पंडा टू. सर इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं. हाँ हाँ सर, मैंने वही किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. चलेगा चलेगा चलेगा. यस सर. मैं चलेगा चलेगा. आगे बढ़ रहा हूँ मैं. हो गया सबका कॉपी? यस सर. यस यस सर. फाइव सेकंड्स. हो गया ये जेई 2014 एडवांस में आया, अब कॉन्फिडेंस लाने का टाइम आ गया है, बल्कि इजी टॉपिक है, करेक्ट? यस सर. यस सर. तो इज्जत रखना पूरे बैच की, समझ गए? बिल्कुल. अपनी बुकलेट में भी इन चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो जेई 2014 एडवांस में है. अपनी बुकलेट में इन चैप्टर तो देखी है ना सबने अब तक? थ्योरी के बीच में होती है जो एमपीएस से भी रद्दड लेवल की होती, समझ गए? तो उसमें दे रखा था और ये जेई 2014 में आया. आया तो आया. क्या ही क्वेश्चन है सर? तो क्या ही है तो भी अभी बताऊंगा, देखना कितने जने गलत करेंगे. चलो जल्दी से करो. वेरी गुड, अभी तक सबके सही आ रहे हैं. गुड गुड. ठीक है ठीक है, इतने सारे बच्चे आ गए हैं. आनवी, विनायक, तन्मय, लक्ष्मी, बहुत जनों का गया. प्रांशु, इसका गलत होगा नाम तो लूंगा. क्या बात है यार, अभी तो एक भी गलत नहीं आया. सही क्वेश्चन एमपीएस में था. यस सर, कल के इसमें था प्रूविंग में. अच्छा उसी में था क्या? ओके सर. 10th में भी बहुत कॉमन क्वेश्चन था. हाँ बहुत कॉमन क्वेश्चन. अच्छा 30 सेकंड्स और फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं, अगर किसी को डाउट नहीं है तो जल्दी से. अभी तक तो किसी का गलत नहीं आया, पर डाउट है तो बिल्कुल फ्रेंकली बता देना. चलो
एक आध बच्चे हैं जो चैट पे लिख रहे हैं उनके लिए मैं फटाफट बता रहा हूँ. यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय कन्वर्टिंग एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस. एवरीथिंग इनटू टैन टैन और कॉट और एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस. कोई भी मेथड चलेगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस यस यस. या तो सब कुछ कॉट टैन में कन्वर्ट कर सकते हो. एग्री करो? हाँ कर सकते हैं. यस और नो? हां कर हां कर. हां सर. तो उससे भी हो जाएगा, साइन कॉस से भी हो जाएगा. मैं साइन कॉस से कर रहा हूं, चलेगा? यस सर. हां सर. टेन वाला थोड़ा सा शॉर्टर मेथड है. सुन लिया सबने? साइन कॉस में कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि उसमें एक दो चीजें आती है, वो मैं चाहता हूँ तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए. टेन को लिखा साइन बाय कॉस, कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, साइन को लिखा सॉरी टेन को लिखा साइन बाय कॉस. ये मैं ऐसे शॉर्ट में करता हूँ ताकि लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन नहीं दिखे. एलसीएम लूंगा. साइन आएगा ना यहाँ पे? एलसीएम ऊपर चले जाएगा ना एवरीवन? ये क्लियर है सबको? यस. ओके, यहाँ पे एलसीएम कॉस वो ऊपर चले जाएगा. साइन इनटू कॉस माइनस साइन. साउंड्स गुड? यस यस. सबको दिख रहा है ये और ये एक्सप्रेशन सेम ही है? यस सर. यस. किसका डिफरेंस है? सी एंड एस. माइनस का तो मैंने माइनस कर दिया, चलेगा ना? हाँ सर. यस. ऑनेस्टली बता कितने बच्चों को लगता है इसका एलसीएम ये कॉस इनटू साइन माइनस कॉस का स्क्वायर? चैट पे लिखो यस. चलो गुड. एक चैप्टर के बाद या तो सुधर गए हो तुम. अगर मैं पूछूं ए बी और ए सी का एलसीएम तो ये दोनों फैक्टर दोनों जगह है तो ये होनी कि दो बार लेना है, एक बार ही लेना है, इतना तो आता होगा ना? यस सर. यस सर. कॉस और ये है तो साइन मल्टीप्लाई होगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? करेक्ट ना? साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस चला गया. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, वन प्लस साइन कॉस अपॉन कॉस साइन. तो अब स्प्लिट कर दूंगा बस बच्चों. वन अपॉन कॉस साइन प्लस साइन कॉस अपॉन कॉस साइन. वन अपॉन कॉस साइन इज कितना? फाइव सेकेंड्स टू कॉपी और एनीथिंग. हो गया ना? यस सर. यस हां सर. इन सब चीजों में सुन लो, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आज के लिए. वैसे तो अभी एक और चीज बताऊंगा, बट इन सब में स्ट्रगल कर रहे हो तो पहले तो एमपीएस वन आज भेजूंगा. एमपीएस जीरो तो है ही है, वो तो एक्स्ट्रा है. एमपीएस वन भी भेजूंगा, वो करना. उसमें बहुत ज्यादा डाउट्स आए तो मुझे पर्सनली कम्युनिकेट करना. क्लियर एवरीवन? वैसे आएगा नहीं. ओके. उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि जो इनमें स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, बट प्रोवाइडेड गिव अप जल्दी नहीं करना है. सुन लिया सबने? हाँ सर. यस सर. Prove that tan theta plus sec theta minus 1 divided by tan theta minus sec theta plus 1 is 1 upon your sec theta plus tan theta in 3 or 4 steps. 3-4 steps mein hona chahiye. सर ये भी कल के उसमें था शीट में. यस सर. बस इसका वो विजिबल नहीं था. होगा, होने दो. अगर तुमने साइन कॉस से किया है तो वापस करो, अगर साइन कॉस के बिना किया है तो वेल एंड गुड. बट मैं बोल रहा हूँ साइन कॉस में नहीं, अभी 3-4 स्टेप्स में होना चाहिए. तो वो मैनिपुलेशन सिखाने के लिए दिया है बस.
करो जल्दी से थ्री स्टेप्स या फोर स्टेप में. बस याद है फंडा टू एवरीवन. यस सर. यस सर. ले फंडा लिखा है वो ध्यान रखो. टेन ट्वेंटी सेकंड्स और. अभी 10 मिनट और पढ़ेंगे तो डोंट बी इन अ हरी. 5 मिनट और पढ़ेंगे. हाँ ठीक है फिर चल मेरे साथ. लेफ्ट साइड 10 प्लस sec माइनस 1. कहीं से भी न्यूमरेटर का भी 1 मैनिपुलेट कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर का भी कर सकता हूँ. करेक्ट ना एवरीवन. Yes. So, मैंने न्यूमरेटर वाले 1 को अगर sec square minus 10 square लिख दिया, you will not mind everyone? Yes, sir. Yes, sir. Obviously, इसको एक step मानो या दो step मानो, I hope तुम समझ गए कि मैं ऐसा लिख ही सकता हूँ. Come on. हाँ, sir. A plus B, A minus B, everyone okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या common है न्यूमरेटर में everyone? Tan theta plus sec theta. tan theta plus sec theta common. तो ये बाहर निकाल दिया. क्या बचा है 1 minus sec theta plus tan theta. agree करिए. yes sir. yes. okay tan minus sec plus 1 cancel हो गया hence proof. yes sir. clear. हाँ sir. तुम denominator वाले 1 को भी manipulate कर सकते थे क्या? हाँ कर सकते थे. बस वो तो ठीक है, फिर एक step rationalize करना पड़ेगा last में. is everyone okay? Yes, sir. Yes, sir. तो बस अभी तक तो 10th क्लास की यादें ताजा करा दी. ओके ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. चलो अब आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा चालू करते हैं ताकि ये जो चीज है वो तुम कॉपी करके आ जाओगे नेक्स्ट क्लास तक. सो ऑल ऑफ यू नो कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन 0 से 90 डिग्री एक्यूट एंगल्स में. Yes, sir. Yes, sir. है ना? उसका प्रूफ देखा है कभी? तो ग्राफ से ऑब्वियसली है, बट ग्राफ में अभी नहीं. मैं ग्राफ किसी और तरीके से बनाऊंगा. तो हम क्वाड्रेंट सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट हैपेंस इफ द एंगल्स आर ग्रेटर देन 90 डिग्री. व्हाट हैपेंस इफ द एंगल इज लेट्स से 210 डिग्री. व्हाट हैपेंस इफ द एंगल इज लेट्स से 330 डिग्री. तो कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, एंड व्हाई ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन 0 से 90 डिग्री. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ये प्रूफ है समझने के लिए, तो अभी देख लो फिर आराम से घर पे कॉपी करके लाना. बिल्कुल सही हितेश. सो दो तीन अजम्पशन लेंगे. लेट्स अज्यूम अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन. सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन मतलब सेंटर क्या बोल रहा हूँ? ओरिजिन. तो ये सर्कल बनाया. मैं इसको किसी भी रेडियस का ले सकता हूँ. रेडियस 4 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ, बट अभी मैं रेडियस क्या ले रहा हूँ सबको पता है? क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो. सो तुम अगर रेशियो कुछ और भी लोगे 4, तो वो 4-4 कैंसिल ही होना है, बट बस कैलकुलेशन में दिखता रहेगा. तो अपन कैलकुलेशन में क्यों लाए, इसलिए रेडियस 1 लिया है. क्लियर यहाँ तक? यस. देन इफ आई टेक अ पॉइंट पी ऑन इट विच मेक्स एंगल थीटा, in which the second assumption we have taken is theta will be considered positive in which direction, anybody? Anticlockwise direction. मतलब अगर मैं theta को 20 degree बोल रहा हूँ तो ये 20 होगा roughly, correct ना? Yes sir. Yes sir. Theta को 70 बोला तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा. Theta को 90 बोला तो point P ये हो जाएगा. Agree करो? हाँ sir.
120 बोला तो रफली यहाँ पे आ जाएगा, यस और नो? यस 150 170 180 पे कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे यस सर माइनस एक्स 210 डिग्री यहाँ पे आ गया, करेक्ट मेरे साथ हो? यस सर 260 डिग्री और यहाँ पे वापस कितना हो जाएगा? 270 डिग्री, कम ऑन जल्दी से, यस सर 300 डिग्री 310 डिग्री 350 डिग्री एंड वापस यहाँ पे वापस कितना हो जाएगा? 360 बिल्कुल बोल सकता हूँ ना, सो थीटा पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए इसका मतलब? यस सर थीटा को -20 डिग्री बोलूं तो कहाँ पे होगा? बोथ कॉल्ड क्लॉकवाइज 20 डिग्री, बस क्लॉकवाइज 20 डिग्री हो जाएगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर, सो यस उसको मैं एंटी क्लॉकवाइज में 340 भी बोल सकता हूँ, एग्री करो? कम ऑन यस सर तो मेरी इच्छा है जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना? चलो अब जल्दी से मुझे थोड़ी सी ट्रिगो यूज करके इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता दो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक नॉर्मल सी ज्योमेट्री तो बना ही सकता हूँ, सबको पता है अगर मैं 3.4 लिखता हूँ तो 3 क्या होता है? इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर then distance of 3 this point from the x axis from the origin, correct na? yes ye y coordinate hota hai, correct? yes sir ha sir to agar mujhe iska x coordinate chahiye to maine perpendicular drop kar diya to this is the x coordinate, agree karo? yes sir kaun hai kya bolte hain isko? hypotenuse radius that is 1, correct na? hypotenuse to theek hai, radius that is 1, yes sir yes to अब नालायक बच्चे की कहानी, ये थीटा है, ये वन है, ये एक्स है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करूंगा? cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या सबको दिख गया एक्स कोऑर्डिनेट cos थीटा हो जाएगा बच्चों एवरीवन? यस सर यस सर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट cos थीटा हो गया, वाई कोऑर्डिनेट चिल्ला दो कितना हो जाएगा? sin थीटा थीटा, यहां तक कोई डाउट? केस वन, इफ पॉइंट पी बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो इधर मेरे साथ जल्दी से चिल्ला देना यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 0 डिग्री से कहां तक वेरी करेगा जल्दी से बताओ? 90 डिग्री, 90 डिग्री, किसी को भी डाउट नहीं है, एग्रीड ना? यस सर, यस सर, एग्जैक्ट 0 एग्जैक्ट 90 पे क्या होगा वो नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, 180 पे क्या होगा, 270, अभी बीच की वैल्यूज की बात कर रहे हैं, क्लियर? Yes, yes, between 0 से 90 degree, can I say point P first quadrant में है, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, first quadrant में point कैसा होता है? 3.4 type का होता है? 3.-4, -3.4. मतलब x coordinate और y coordinate दोनों कैसे होते हैं बच्चों? Positive. What is the x coordinate of point P? Come on. Theta. Cos theta. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होगा? कम ऑन अब से, पॉजिटिव, थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव, एंड टेन थीटा साइन और कॉस का रेसिप्रोकल होता है, करेक्ट ना? पॉजिटिव, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, क्लियर? यस सर, देख लो एक बार ताकि सेकंड केस में स्ट्रगल नहीं करो, फर्स्ट केस में सर ने कैसे बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, x कोऑर्डिनेट cos है, y कोऑर्डिनेट sin है, प्रूव कर लिया, बस हो गया, एक बार 0 से 90 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है, बिल्कुल क्लियर? हां सर, यस सर, ओके। सेकंड केस, अगर पॉइंट P सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? 90 से 180, थीटा वेरीज फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री। अच्छा, 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद कर लो, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है? x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, 2, -2.3 यहां पे होता है या 2.-3 होता है? -2.3, ये x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, बोल सकता हूं ना? हां सर, x कोऑर्डिनेट कौन है? cos थीटा, सो cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है व्हाइल sin थीटा पॉजिटिव होता है, क्लियर एवरीवन? वॉट अबाउट टेन थीटा बच्चों? पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, सो इट विल बी नेगेटिव।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैन आई से cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है sec कम ऑन यस यस हां सर साइन ना सर साइन और cos होता है ना नेगेटिव होता है चुप 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 मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं किसका माइक ऑन है बंद कर यार साक्षी हां तो वी वर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिv होता है और उसका रेसिप्रोकल दैट इज cosec बट साइन लिखूंगा तो समझ जाओगे ना वो तो ऑटोमेटिक Yes, अब मैं ये लिख रही हूँ डायरेक्टली पूछ रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं एग्री करो थर्ड में तो cos भी नेगेटिव होगा और sin भी नेगेटिव व्हाट अबाउट 10 पॉजिटिव नेगेटिव कितना हो गया बच्चों पॉजिटिव पॉजिटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है 10 और cot लिखने की जरूरत नहीं कॉट को अंडरस्टूड है क्लियर ना यस सर यस सर ओके फोर्थ क्वाड्रेंट में सबको पता है पॉइंट ऐसे होते हैं देखो यस यस सर तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा पॉजिटिव है वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है तो साइन थीटा नेगेटिव है ऑब्वियसली 10 भी नेगेटिव है करेक्ट ना यस सर सर एंड में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं करेक्ट यस सर तो नेक्स्ट क्लास में मैं अगर पूछूंगा तो ये सब याद रहना चाहिए All silver teacups, all school to college, ये सब एक ही चीजें हैं। अब हमारा बचपन चला गया है ये सब हमें नहीं चाहिए याद करने के लिए करेक्ट ना सर मतलब कोई बच्चा पहली बार सुन रहा है तो ये उसके लिए है कि फर्स्ट लेटर बस ASTC ऑल स्कूल ASTC ये उसके लिए बट ये बचपन आप चला गया ठीक है ना एड शुगर टू कॉफी ठीक है Yes, so, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है देखना एक बार साइन 190 डिग्री पॉजिटिव या नेगेटिव बस कम ऑन नेगेटिव सोच ले कोई नालायक की बात कर रहा हूं मैं क्यों नेगेटिव क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है एग्रीड ऑल ऑफ यू यस सर कॉस 350 डिग्री पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 350 जस्ट यहां पे आता है साइन थीटा पॉजिटिव है तो वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड एंड सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट तो कैन आई से ये पेज कॉपी करके आ जाओगे एवरीवन हां सर समरी लिख देना ये चार्ट लास्ट में समरी कर देना ठीक है यस सर चलो यू कैन गो बाय बाय Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.